उत्तर प्रदेश आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये भारतीय हॉकी टीम की सबसे उर्वरा स्थली रही है। मेजर ध्यानचंद थे कि भारत माता के उस महान सपूत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम प्रदेश के अपना पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बना रहे हैं वो मेजर ध्यानचंद के ही नाम पर बना रहे हैं। दूसरा केडी सिंह बाबू भारतीय हॉकी टीम के ही सितारे थे और उनके नाम पर यही लखनऊ के पास ही बाराबंकी जनपद में उनका जन्म हुआ था। एक अच्छे रियासत परिवार था, रॉयल फैमिली थी, वहां उनका जन्म हुआ था। लेकिन समय के अंतराल में पीढ़ियां जब आगे बढ़ती गईं, पारिवारिक बंटवारा होता गया, लोग वहां से पलायन करते गए, एक स्थिति ऐसी आई जब वहां के उनके पैतृक आवास को न्यायालय ने नीलाम करने की कार्रवाई प्रारंभ की तो मुझे उस पर रोक लगानी पड़ी। मैंने कहा नहीं, यहां केडी सिंह बाबू का स्मारक बनेगा और उस पूरी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने उसकी धनराशि उपलब्ध करवा के कहा कि नहीं, केडी सिंह बाबू की कोई संपत्ति नीलाम नहीं होगी बल्कि उनका भव्य स्मारक और म्यूजियम हम बनाएंगे और आज हम उस कार्रवाई को बाराबंकी में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अनेक हॉकी के सितारे हम यूपी ने दिए हैं और इसलिए हॉकी इंडिया की यह 14वीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर खिलाड़ी पे हमें गौरव की अनुभूति होती है और यूपी का हो या जेएनके का हो, हरियाणा हो या पंजाब या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या असम, कहीं का भी हो वह पहला भारतीय है और देश के लिए खेलता है। एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है और इसीलिए जब ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो उस समय टीम का सम्मान करने की बात आई। मैंने कहा कि देखो, आपको यूपी के खिलाड़ियों को अतिरिक्त जो देना है वो दीजिए, लेकिन सम्मान करेंगे तो हम पूरे देश के खिलाड़ियों का करेंगे। और पूरी टीम को मैंने यहाँ पे एकाना स्टेडियम में बुलाया था और उनका सम्मान किया था, उन्हें धनराशि भी दी थी और उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी थी। ऐसे पैरालंपिक में भी उन खिलाड़ियों को मेरठ में हमने बुलाया। अब आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने यूपी के अंदर अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोग जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या विश्व चैंपियनशिप में अच्छा स्थान प्राप्त किया, ऐसे 500 खिलाड़ियों को अब तक मैं सरकारी नौकरी दे चुका हूं। लवी उपाध्याय टोक्यो ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे और मेडल हमारी टीम ने प्राप्त किया था, हमने उन्हें डिप्टी एसपी का पद दिया। ऐसे ही हमने उत्तर प्रदेश के अंदर खिलाड़ी अभी राजकुमार पाल को भी डिप्टी एसपी का पद देने की बात करती घोषणा की है। अभी मैं एक दिन भारतीय हॉकी टीम को, पूरी टीम को हम बुलाने जा रहे हैं, उसका सम्मान करेंगे और साथ साथ इन दोनों दो खिलाड़ी यूपी से हैं लेकिन पूरी भारतीय टीम को ही हम बुलाएंगे, भारत की पूरी टीम को ही हम बुलाएंगे क्योंकि देश के लिए खेल रहा है, उसका पूरा समर्पण देश के लिए है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति कि हम भी उसके लिए कार्य करें। और मैं चाहूंगा कि हॉकी इंडिया तय करे कैसे इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। हमारे खेल निदेशक स्वयं हॉकी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उनकी रुचि भी है। हम लोगों ने पूर्व खिलाड़ियों को जिन ड्रॉप वहां से खेल से संन्यास ले चुके हैं लेकिन उनको कोच के रूप में रखने के लिए भी आबद्ध करने के लिए कहा है, इस पे हमारी कार्रवाई चल रही है। खेल विभाग में अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा यूपी के अंदर हमारे पास लगभग 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं
हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है। खेल का मैदान हो, लोग खेले कूदे, कुछ तो स्वस्थ रहेगा, नहीं तो स्मार्टफोन और नहीं तो बिल्कुल ही पूरी पीढ़ी को और ड्रग आदि मादक द्रव्यों ने पूरी पीढ़ी को खराब किया है। हमें इन दोनों से बचा करके खेल के प्रति उसे आकर्षित करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आज देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति प्रारंभ हुई है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हर जनपद में भी खेल का एक सेंटर बनाने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसी क्रम में हम लोगों ने तय किया कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होना चाहिए, हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम, और मैं चाहूंगा कि हॉकी इंडिया इस चीज को खेल विभाग के साथ मिलकर के तय करवाएं कि किन किन जनपदों में हॉकी के लिए स्पेसिफिक उनके जो स्टेडियम होने चाहिए जो हॉकी को ही समर्पित हो। मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज जाएगा। खेल के मैदान की भी स्टैंडर्ड को स्वरूप में रखना। हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल, अब तक 65,000 से अधिक ऐसे युवक मंगल दल या महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट वितरित किए हैं। अगर हम ग्राम स्तर से सबसे छोटी इकाई से खेल की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके और प्रतिवर्ष एक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है अच्छे खिलाड़ी हम देख पाएंगे। दूसरा, जैसे क्रिकेट में लीग हो रहे हैं, इस समय यूपी की लीग चल रहे हैं क्रिकेट के, युवा खिलाड़ियों में उत्साह है, क्या हम इसे जैसे यूपी के अंदर 75 जनपद है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, 18 हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर है, ऐसे क्या हम 825 हमारे ब्लॉक्स हैं, 350 हमारे पास तहसील है, क्या ब्लॉक तहसील जिला कमिश्नरी हेडक्वार्टर और फिर रीजनल स्तर पर और स्टेट स्तर पर क्या हम इस प्रकार की हॉकी लीग को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। नए नए खिलाड़ी पैदा होंगे, अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे, लोगों के मन में खेल के प्रति जागरूकता पैदा होगी और वो स्वयं तो स्वस्थ रहेगा ही, देश को स्वस्थ कर देगा, देश को भी स्वस्थ कर देगा। मुझे लगता है आज के दिन पर भारत के अंदर पहले से भी बल की कमी नहीं रही है, बुद्धि की कमी भी नहीं रही है, लेकिन इस बल और बुद्धि में सेंधमारी शुरू हुई है और सेंधमारी ड्रग का भी है, स्मार्टफोन का भी है। इन दोनों से हमें बचा करके उस कार्यक्रम को उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं राज्य सरकार इसके लिए भरपूर सहयोग करने को तैयार है। हम भरपूर सहयोग करेंगे। हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष यहाँ पे श्री दिलीप तिर्की जी यहाँ पर हैं, भोलानाथ सिंह जी यहाँ पर हैं, आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे अपने अगले एक दो दिन बैठ करके इस पे चिंतन करेंगे। देश के लिए अच्छी टीम तैयार करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है उसके अनुरूप अपने खिलाड़ियों को उस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, उन्हें तैयार करना, और अच्छे खिलाड़ी कोई भी हो जो देश के लिए खेल रहा है ये मान के चलिए कि वो हमारा खिलाड़ी है, कोई भी राज्य हो उसको प्रति अपनत्व का भाव पैदा करना, क्योंकि तो खेलेगा देश के लिए खेलेगा, पूरे भारतवासियों के लिए खेलेगा, 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधि बनकर के जाएगा, इसलिए उसको प्रोत्साहित करने के अभियान में उत्तर प्रदेश के प्रति मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार आपको भरपूर सहयोग करेगी, हर प्रकार का हमारा सहयोग आपके प्रति होगा। मैं एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर आए और अपने तमाम व्यस्तता के बावजूद आपने उत्तर प्रदेश के लिए समय दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने स्वयं ही खेल विभाग से कहा कि भाई हॉकी इंडिया कांग्रेस की बैठक यूपी में हो रही है तो अगर हो सके वो मुख्यमंत्री आवास पे आ सके तो मुझे प्रसन्नता होगी उनके साथ बैठने में, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग आए, आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वह है हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट है,
हर जिले की एक यूनिक प्रोडक्ट है, हमने उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया। उसकी डिजाइन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके लिए मार्केट, उसके लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था, उसकी पैकेजिंग सबके साथ जुड़ा है। और मेरठ जिला हमारा ऐसा है जिसको हम लोगों ने स्पोर्ट्स आइटम के हब के रूप में विकसित किया। स्पोर्ट्स के लिए भी एक जिला है, वो मेरठ जिला है। यद्यपि हर जिले में काम हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे मेरठ में खेल की हर सामग्री आपको वहां मिल जाएगी। पूरा एक वो विकसित हो गया वहां पे, बहुत अच्छा हुआ है। और मैंने अपने कार्यालय से कहा था कि भाई हॉकी इंडिया के सदस्य आएंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट उनको भी जरूर यहाँ पे दीजिएगा, और लोग लाए होंगे, मुझे प्रसन्नता होगी अगर आप उसको लेंगे तो। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद सर। हॉकी इंडिया कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी। उनका कहना था कि जिस तरीके से आयोजन उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर सीएम आवास पर आए, उनसे बातचीत हो तो बहुत बेहतर होगा। और यही संवाद कार्यक्रम रखा गया 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम का आयोजन। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ODOP के तहत सभी को जो गिफ्ट हैम्पर है वो वितरित कर रहे हैं सीएम योगी। उनके साथ खेल मंत्री भी उत्तर प्रदेश के मौजूद। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो जिस तरीके से 75 जिले का जिक्र सीएम योगी ने किया, ODOP का जिक्र किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी खिलाड़ी आएंगे वो अगर इन उत्पादों को उन्हें दिया जाएगा तो वो बेहद खुशी होगी। और ऐसे में देखिए ये ODOP जो गिफ्ट हैम्पर है वो सीएम योगी लोगों को यहाँ जो मौजूद है कार्यक्रम में उन्हें दे रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।